अस्सलाम वालेकुम। आज हैं सारे बारी बारी फिर बात करता हूँ, देखते हैं कौन कौन आ रहा है। अभी लाइव तो आ गया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मैसेज किए हैप्पी बर्थडे के। अभी भी मुझे सारे मैसेज नहीं देख सका, ठीक है। असल में यहाँ पे लॉकडाउन है तो मैं असल में घर में ही हूँ, तो केक शेक तो नहीं है। मैं सोच रहा हूँ घर में खुद ही जो है ना कस्टर्ड बना लूँगा, कस्टर्ड बनाता हूँ, ये साथ ये फेरी केक डालता हूँ, तो केक और कस्टर्ड बनाऊँगा मैं। आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं केक एंड कस्टर्ड। ये है टिन ओपनर, ठीक है। यार मैं अकेला ही हूँ, मैं कैसे करूँ सारा कुछ। मुझे फोन रखना पड़ेगा एक सेकेंड यहाँ पे ऐसे। ये रेडी हो रहा, चेक करते हैं कहाँ पे पहुँचा, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यार सही नहीं बैठा, एक सेकंड। अब सही बन गया है जी। ये है जी कस्टर्ड, कस्टर्ड के बाद ये केक इसमें जाएगा। ये बन गया रेडी, इसको आराम से उतार लेते हैं हम लोग। या आई नीड टू यूज सेकेंड हैंड, वन सेकेंड। ये आ गया जी मेरा कस्टर्ड। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत प्यार, इतने मैसेज आए हैं माशाल्लाह। तो जी ये है कस्टर्ड, कस्टर्ड जो है ना ठंडा भी खा सकते हैं आप, मसला नहीं है। तो बीच में चला गया इसके अंदर, माय स्पून, जो कस्टर्ड आएगा उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अपनी सालगिरह पे केक एंड कस्टर्ड बनाते हुए ठीक हो गया जी। ये तो हमारा कस्टर्ड अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे भाई, अली भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शेफ़। असल में यहाँ लॉकडाउन है, 10 बजे सब कुछ बंद हो, यानी कि तकरीबन हो जाता है, एक सेकंड ठहरे हैं, 10 के बाद यहाँ कुछ भी नहीं खुलता। तो ये चला गया अंदर, इसका टाइम लगता है 2 मिनट। ये जो तैयार हो रहा है हमारे कस्टर्ड, अव्वल तो ये जो है ना रेडी है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही इसको किया है, अब ये केक इसके अंदर जाएगा और केक का कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। एजाज भाई भी आ गए माशाल्लाह, जिद्दी अली भाई थैंक यू, हमाद अली, मुख्तार अली, आबिद अली, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई थैंक यू। तो भाई जो लोग अभी आए हैं वो चेक कर लें, ये मेरा जो है ना कस्टर्ड तैयार हो रहा है। मैंने मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे जी भाई, थैंक यू वेरी मच। कस्टर्ड आप खा सकते हैं ठंडा भी गर्म भी, थैंक यू एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच। जब तक ये बन रहा है ना तब तक मैं फ़ोन यहाँ रखता हूँ ऐसे करके, इधर रख के इसको खोल लेता हूँ। इसमें से 3 केक, मैं 3 केक काफ़ी हूँ, 3 केक निकाल लेते हैं। जी चेक करें कस्टर्ड कहाँ तक पहुँचे, कस्टर्ड
कस्टर्ड गर्म हो गया मेरे ख्याल से, काफी है। किसको? ओ जी हैप्पी बर्थडे पार्टी कब भाई? यहाँ पे लॉकडाउन है, 10 बजे सब बंद हो जाता है, कोई चांस नहीं पार्टी पूटी का घर में। आप देखो मैं अकेले कस्टर्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या पार्टी होनी है, सब कुछ बंद हो जाता है। आपको बता रहा हूँ कि कैसे बना सकते हैं, अगर आप भी कभी घर में अकेले हों, आपकी बर्थडे हो, तो आप भी इस तरह कि ये कस्टर्ड ये केक अंदर गया इसके, ठीक है इस तरह 3 केक काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। वैसे इसके पीस भी करके डाल सकते हैं, मैंने तो वैसे डाल दिए, आप इसके अंदर बनाना भी डाल सकते हैं। अलीशा बर्थडे पे कस्टर्ड एंड केक खाया जा रहा है जी, आप सबके लिए बना रहा हूँ। केक तो नहीं बना सका, वो कोरोना वायरस की वजह से ना बंद हो जाती हैं 10 बजे सब, तो जो दूसरी हैं वो तो जल्दी बंद हो जाती हैं। ये जी कस्टर्ड ये केक अंदर चले गए हैं, अब आपकी मर्ज़ी, इसको जितने मर्जी पीस कर लें इसके, आप इसको ना स्मॉल कर सकते हैं जितना भी करना है ऐसे। और जितने मर्जी पीस कर लें। तो जी ये आपका केक एंड कस्टर्ड तैयार हो गया जी। शमी बाजवा भाई ठीक ठीक बन गया है। आफिया खान आप बताएं ठीक बना है? एहसान भाई डॉन भाई आप बता दें ठीक। तो जी ये था कस्टर्ड और ये था केक, अब दोनों इसमें आ गए हैं, रेडी हैं। बाकी यार बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों ने इतने मैसेज किए, असल में मेरी बर्थडे कल है लेकिन 2 दिन से पहले मैसेज आ रहे थे, कैसे भाई क्या हाल है, मुहेश भाई के मैसेज आ रहे हैं ऊपर लाइव में, भूल लग रहे आप देखें, क्या लग रहा है, भूल लग रहे आप, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच मारिया खान जी। अब ये केक कस्टर्ड रेडी है, मुहेश भाई भी आ गए हैं जी, मुहेश भाई वो आके मैसेज आ रहे थे वहाँ पे, तो अच्छा आप लाइव में आ गए हैं जी। मैंने बनाया है अपने लिए केक एंड कस्टर्ड, खुद ही खा लेता हूँ, अब आप लोग तो बस इतने दूर हैं कि 7 समुंदर पार भाई केक बना कर इनबॉक्स कर दें नहीं ये है केक एंड कस्टर्ड भाई, केक एंड कस्टर्ड, ये वाला था कस्टर्ड, ये केक था, तो इसको मैंने बना के तो ये इस तरह ये तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो इसका नाम दे दे केक एंड कस्टर्ड। बहुत जन्मदिन मुबारक हो जी भाई, थैंक यू वेरी मच आगा भाई, केक को कट करके डालना था या वो मेरे एक हाथ में फ़ोन है, मैं कैसे काटूं, अंदर खुद ही जाके बन जाएगा। नाजमाबाद नंबर एक एड्रेस आ गया भाई उनका, मोहित भाई का एड्रेस आ गया, क्या हमें दे दे अभी, तो इसको भी नीचे उतारना है, ये तेरी फसाव है इसके बाद में करते हैं कुछ। नाजमाबाद कौन सा नाजमाबाद है, नॉर्थ का दूसरा साउथ, खुद बना रहे हैं माशाल्लाह जी भाई, हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला भाई। ये भाई लव यू टू भाई। अच्छा यार एक बड़ा मसला पाकिस्तान में, जब भी जाता हूँ पाकिस्तान में मुझे इस तरह के टिशू नहीं वहाँ पर ना मिलते, ये देख रहे हैं आप टिशू, इस तरह के टिशू जो है ना हम यूज टू है यहाँ पे, वो दूसरे टिशू होते हैं वो पाकिस्तान में इतने लाइट होते हैं ना, आप अपने हाथ साफ करो तो वो टिशू उतनी जो है ना फट जाता है ये इतना स्ट्रॉन्ग टिशू है, इसे कुछ भी नहीं होता, ये बना इसलिए हुआ है। इंशाल्लाह नाजमाबाद नॉर्थ नंबर वन नाजमाबाद, ठीक है जी। तो अभी तो यहाँ लॉकडाउन है, मैं घर के अंदर ही हूँ, कहीं नहीं जा सकता,
10 के बाद तो वैसे भी सब टेक वे मानते रेस्टोरेंट। तो कल इंशाल्लाह सुबह जाना है मेरे दोस्त के साथ, वहाँ लाइव आऊँगा फिर। हमाद अली साथ लेना, साथ ले ले आए करें। वाह जी वाह, साथ लेके आऊँ। ठीक है भाई भाई, यू नो पाकिस्तान की चीज़ एक नंबर होती है जी भाई, एक नंबर है। किचन रोल 10 से, मुस्कान से। ठीक है आपने कहा किचन रोल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त बनो आप बना रहे हैं। थैंक यू पाकिस्तान, ये लाएंगे नहीं ब्रे होता। ठीक है हमाद भाई। बाकी यहाँ पे रात हो गई है, मैं आपको लेके जाता हूँ बाहर। ठीक है, रात ही यहाँ पे एक किस्म की दिन होता, आपको दिखाता बाहर। अब चलो किसी दिन, असल में मैं ना दूसरे घर में जाना, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उस घर में लाइव आऊँगा। कोमल एंड अफाक भट्टी आर वाचिंग। अफाक भट्टी हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई नाइट का मंजर है, डिश भी लगी हुई है। अब यहाँ पे रात है यार, क्या दिखाऊँ, फिर भी व्यू अच्छा है रात को यहाँ पे ना। कोई बात नहीं, जो मेन चीज़ थी वो तो आपको मैंने दिखा दी है कि मैंने क्या बना लिया। अपने बर्थडे पे मैंने बनाया है कस्टर्ड और केक, जो रेडी है अभी खाऊंगा थोड़ी देर में। सारा थैंक यू, बस मैं आ रहा हूँ कल ही। आ जाए भाई भाई, अंधेरे में जाकर कोई प्रैंक तो नहीं कर। नहीं भाई, बाहर दिखा था अंधेरे है बाहर तो। हाय सर, हैप्पी बर्थडे बिलाल भाई, थैंक यू। अरमान शेख, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू। अफाक भाई तेरी पट्टी साहब जान दो, रात का टाइम है। और सब ठीक ठाक है? ठीक, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अब कुछ और तो दिखाने का है नहीं, मैं तो आपको बस ये केक एंड कस्टर्ड ही दिखाया था बना के। तो जो लोग अभी आए हैं उनको भी बता दूं कि ये मैं केक कस्टर्ड बना रहा था, वो मैंने बना लिया है अपनी बर्थडे के ऊपर। तो यमी यमी, आ गए भाई आए। और भाई सब लोग ठीक है? किसी ने कोई बात तो नहीं पूछनी? हसन शफीक, जारा खान, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक हो तो खा लूँगी, केक शेक हो तो खा लूँगी जी। केक शेक बहुत है जी, बड़ा है केक। सहरा अली, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आज बहुत खुश हैं आपके बर्थडे पे जी भाई। आप बहुत खुशी है कि 2-3 दिन से ही माशाल्लाह लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, तो बहुत खुशी हुई है। अब भाई कुछ और पूछ लो। पर्सनल बातें ना पूछा करो, ठीक है? ग्रुप के मुतल्लिक पूछो कि ग्रुप को कैसे आगे लेके जाया जाए, ठीक है? ऐसी बातें पूछते होते हैं। फाक भाई, उर्वल हमजा, आज बहुत मज़ा आ रहा है आपके मजी भाई, बहुत शुक्रिया। आज बहुत इवेंट हुए हैं। सहरा अली 49, माशाल्लाह सहरा, लगती है तो वैसे आप 49 की नहीं हो, चलो मान लेता हूँ। खुश रहें, आमीन जी आमीन, थैंक यू। और मोरस भाई 47 बर्थडे मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह एक दिन 47 भी होना है मैंने, अगर जिंदा रहा तो। आजकल पता है कोई नहीं, कोरोना की वजह से बंदा कम मर जाए, यकीन मानो। कोरोना की वजह से ना
बहुत मसला है यहाँ पे तो। खैर अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान में सर अभी तो 20 साल के हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। कल आऊँगा मैं इंशाल्लाह ना, अभी तो नहीं गया बाहर मैं, तो कल सुबह जाऊँगा तो फिर वहाँ जाके आऊँगा लाइव, तो इंशाल्लाह। बाकी आप लोग ठीक हैं? हसन भाई जल्दी से फ्री होकर मुझे कॉइन दे दें। ओप्स। अच्छा जी मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ, चलो इधर सब। मैं ये जी, मैं लंच टाइम में ये खाता हूँ नूडल्स, चिकन कौरमे वाले लंच टाइम में ये करता हूँ। चलिए मैं आपको इस टाइम लाइव ही बताता हूँ। और ये भी मैं खाने के साथ लाजमी खाता हूँ, ये देखे होंगे आपने ओलिव, ये मैं खाता हूँ शौक से। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू जी, थैंक यू भाई। तो जी आपको आज मैं अपनी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ब्रेकफास्ट में हनी तो मैं लाजमी लेता हूँ जी, ये रखी हुई हनी मैंने, हनी तो ब्रेकफास्ट में लाजमी है, उसके बगैर नहीं। चुड़ैल आ गई जी, स्टाइलिश महानूर। अच्छा जी, और उसके अलावा जो है ना ग्रीन टी यहाँ होती है, ऐसी ग्रीन टी मैं पीता हूँ। इजाज़ भाई भी पीते हैं शौक से ग्रीन टी, तो यहाँ पे इस तरह की मिलती है। तो ये पीता हूँ मैं सुबह उठ के ना, सुबह उठ के ग्रीन टी पीता हूँ। पहले पहले तो सुबह उठ के मैं जो है ना पानी पीता हूँ 2-3 गिलास, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बर्थडे पर, कोरोना जिक्र ना करें, लिव लॉन्ग लाइफ हेल्थी, थैंक यू आमीन। तो ये यहाँ पे जो है ना ये ग्रीन टी ऐसी होती है, तो आप बस पानी गर्म करें और पी लें। और ये शहद भी मैं थोड़ा डाल लेता हूँ उसके अंदर ना, इस तरह बन जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा मेरी चावलों की प्लेट में फिश होती है, वो ये फिश होती है मैकरल फिले टमाटो सॉस। जमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वो चावल बनाना बहुत इजी है, यहाँ पे ऐसा मिलता पैकेट एग फ्राइड राइस का, ठीक है। इसका टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखें। हैप्पी बर्थडे टू सैयद नकवी, सॉरी लेट, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। माजिद शाह मेरा नाम, वही लो भाई माजिद भाई, क्या हाल है? और कमेंट रीड करो, जानू भाई पढ़ रहा हूँ आपके। अच्छा जी, एग फ्राई राइट 2 मिनट इसको माइक्रोवेव में रखेंगे, ये रेडी हो जाएंगे। फिर ये इसको खोल के इसके साथ रख लें। अगर आपने जो है ना चने भी खाने हैं तो ये चने वाला टीन है, चिक पीस, ये चने इसमें जो है ना रेडी हैं बिल्कुल। आपने सिर्फ इसको ओपन करना है और प्लेट में ये तीनों चीज़ें डाल के मैं खा लेता हूँ। तो इजी इजी है मेरे यार बनाना, कोई मसला नहीं है, मैं खुद ही चीज़ें जो है ना सब जो है ना कर लेता हूँ। लाहौर कब आ रहे भाई? लाहौर का पता नहीं, अभी तो कोरोना वायरस में फंसा हुआ हूँ। अभी यहाँ पे वायरस ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है भाई। जो न्यूज़ में बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, अल्लाह जाने। बाकी ये सब आप लोग ठीक हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। इंग्लैंड में मेरे भाई, इंग्लैंड में। और ये मैंने ऑटो लगा के छोड़ा था, क्या बना गेम का, बूस्टर ऑन किया हुआ है, चेक तो करूँ क्या बना है। दोनों में बूस्टर ऑन है मेरे आईडीज में। ये मैं फ्रूट खा लेता हूँ। आज आपको अपनी लाइफ स्टाइल बता देता हूँ, क्या है मेरी लाइफ स्टाइल। ये है जी पत्ते। ये सैलड खाता हूँ मैं, सैलड, हेल्थी सैलड होती है, हेल्थी सैलड।
इसपे यहाँ डेट भी होती है। आई एम फ्रॉम बार्सिलोना स्पेन, नाइस टू मीट यू भाई, नाइस टू मीट यू। आज आपके बर्थडे बता देता हूँ, मेरी सेहत का राज क्या है। ठीक है, ये सैलड खा लेता हूँ साथ, उसके अलावा ये फ्रूट होते हैं। ये जी रसबेरी है, ये शायद ये रसबेरी। यहाँ पे सब कुछ इसी तरह पैक में होता है, यहाँ वो नहीं चक्कर वो जो खुले होते हैं। ये जो है ना ब्लैकबेरीज हैं, और ये हैं ब्लूबेरीज। इसका ये भी है कि मैं सुबह उठ के ना इसका शेक बना लेता हूँ। ठीक है, सब चीज़ें डाल के ना, दूध डाल के, दही डाल के रेडी हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी यहाँ सर में ना हर चीज़ मिलती है पूरा साल। ग्रेप्स, दूध ऐसे होता है, ये दूध की बोतल है। ये केचप, मेयोनीज, ये है योगर्ट, ये माय फेवरेट ओलिव, बटर है, ये बटर टोस्ट क्यों, ये केएफसी में खाया था पड़ा हुआ आज भी तक। तो जे सेम टू यू आरजू, कहाँ आरजू, कहाँ कैसे लेते हो, कहाँ कैसे लेते हो, खा लेते हैं बस जब दिल करता है तो। आई एम फ्रॉम DHA, चेक विस्टा फेस कराची, ओके सब कुछ पैक कर दो ना। ये है जी मेरा ब्लेंडर, ब्लेंडर में मैं सब कुछ डालता हूँ। ठीक है, इसमें बस डाल के सब ब्रश दबा दो, सब कुछ जो है ब्लेंड हो जाता है। फिर इसको पी लो, दर से रेडी रेडी। तो ये था चॉकलेट, कहाँ पे चॉकलेट, ऊपर पड़ी हुई है रूम में, यहाँ नहीं रखता मैं नीचे चॉकलेट। तो दिखाऊंगा आपको जो भी लाइव आके चॉकलेट भी। तो बाकी बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोगों का बहुत प्यार है, आपने इतना टाइम दिया। तो जो जो लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। शायद 8 विनर होंगे मेरा ख्याल है, तो उन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इवेंट किए और जिन्होंने मुझे जो है ना विश किया। ठीक है, और अभी मेरा ख्याल शायद कल भी होंगे इवेंट, जो कल सबसे बड़ा इवेंट है वो मेरा ख्याल 8 बजे है मशरूम शरारती का। तो सब लोग प्लीज़ लाजमी आए वहाँ पे, एक्टिव रहें, बड़े हो के काम बच्चों वाले। भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, भाई मैं यही खाता हूँ क्या करें। हैप्पी बर्थडे राबिया, थैंक यू, पार्सल चॉकलेट प्लीज़। ओके जी, हसन भाई भी आ गए हैं। तो यही है जी, बस मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ आज। वो फेक टूर्नामेंट है भाई, फेक नहीं है, वो रियल है। टूर्नामेंट कैसे फेक हो सकता है, आप खेलो टूर्नामेंट, आप विन होगे तो आपको देंगे रिवॉर्ड। देखो उसका टाइम है टूर्नामेंट का, ठीक है, उसके शायद 12 घंटे टाइम है, आपने अपना मैच खेलना है, उनमें लोग वहाँ खेल रहे हैं। हम विन नहीं होते इवेंट, इवेंट विन नहीं होते यार, इसमें जो है ना लक की बात है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है, हर एक बंदे के अपने अपने इवेंट हैं। जैसे कि अगर 10 मिनट टाइम है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10 मिनट पे ही ऑफ करते हैं या 9 पे ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अगर एक इवेंट शुरू हुआ है उसका 10 मिनट का टाइम है और आप 1 मिनट पे शुरू हो गए, आपके कमेंट्स 3 मिनट में जो है ब्लॉक हो गए हैं, 4 मिनट में आपको कि यार मेरे कमेंट्स ब्लॉक हो गए हैं। तो जो लोग इवेंट विन होते हैं उनको अंदाज़ा हो गया है कि हमने 4 मिनट पर स्टार्ट करना है या 5 पे स्टार्ट करना है, तो वो फिर उस टाइम तक विन कर लेते हैं। तो हर एक अपना अपना, मेरा तो टाइम कम होता है, तो ये चक्कर है भाई। मैंने कोई वोट नहीं कर दिया, मैंने कोई वोट नहीं, आ जाओ पंजाबी हूँ सीरियसली। मोइन खान अकेडमी आते हो आप, वो कहाँ पे भाई मोइन खान अकेडमी,
भाई फर्स्ट कमेंट वाला कोई, हाँ यार वो होते हैं भाई फर्स्ट कमेंट वाला, कितनी बार मैंने किया, मासूम ने किया फर्स्ट कमेंट वाला। चलो मेरी बर्थडे हो जाए, मैं इंशाल्लाह करूँगा। ये अभी अपना एक एडमिन है शेख अरमान, उसकी बर्थडे आ रही है 1 अक्टूबर, उसकी बर्थडे पे मैं करूँगा फर्स्ट कमेंट वाला, ठीक है? तो भाई आप इंशाल्लाह विन होना यार, कोशिश हम लोग पूरी पूरी करते हैं यार। हम लोग इवेंट करते ही जो ना रिवॉर्ड देने के लिए हैं, इसीलिए हमारे इवेंट में हमारे एडमिन मॉडरेटर अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर वो विन होंगे तो आप लोग यही कहोगे लो जी ये खुद ही लोग जीत गए हैं। भाई आपको और मासूम भाई के इवेंट में 5 मिनट में 15 के प्लस, यार अब क्या भाई, आप 2,12,000 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो 15 के प्लस तो कमेंट्स आने हैं ना भाई। अब अगर आप ये सोचते हो कि बस इवेंट हो तो जो ना कोई भी ना आए, सिर्फ आप आए, ऐसा जो ना होता मेरे भाई, तो जब इवेंट होता तो लोग आते हैं ना खेलने के लिए। अगर 2,12,000 हैं तो उसमें से कम अज़ कम 5,000 तो एक्टिव होंगे ना उस टाइम पे। चलो 5,000 भी ना एक्टिव हों, 1,000 तो एक्टिव होंगे ना उस टाइम पे भाई, 1,000 भी ना, 500 लोग भी तो होंगे तो कमेंट तो खुद ही फिर 15,000 बन जाएंगे। अगर एक बंदा तीन तीन भी करे या 10-10 भी करे तो भाई आप चेक करो ना खुद ही कितने बन जाते हैं भाई। कराची फेज 8 में क्रैकिस्तान में रहता हूँ आप, इंशाल्लाह भाई आसिम भाई इंशाल्लाह कभी हुआ, अगर विन ना हुआ तो मुझे पर्सनल में फ्री दे देना। या ग्रेट हो आप, मैंने बहुत ग्रुप देखे हैं आप जैसा एडमिन कहीं नहीं देखा। ग्रेट, थैंक यू भाई, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। तो जी विश कर दो बस सब जी विश कर दो मुझे, आज कंप्लेन भी कर लो जैसे भी कंप्लेन है। आज आज भी रिकॉर्ड बना 10 फीफ्टी के भाई, जब 5,000 का इवेंट होगा तो लोग आएंगे ना। अब 5,000 का इवेंट है तो आप क्या कहते हो कि कोई ना आए, तो सारी बात है 56 कमेंट्स हो गए। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने दो उन्हें, कोई रिवॉर्ड की बात ना करो अच्छा यार जब किसी की बर्थडे होती है तो मैं करता हूँ इवेंट, वो कहता है नहीं इवेंट ना करो मुझे गिफ्ट दे दो, ठीक है? जब मेरी बर्थडे होती है वो कहते हैं आपकी बर्थडे है मुझे गिफ्ट दे दो ईद आती है मुझे गिफ्ट दे दो। आज तक मुझे नहीं याद कि मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो। हाँ एक बंदा मुझे गिफ्ट देके गया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद शायद मेरे जहन में मैं सोचता हूँ, माजिद उसका नाम था, माजिद माजिद उसका नाम था, सऊदी अरब से था। उसने पता नहीं मुझे कोई जैज़ कैश दिया था, तो मैंने उसे जो है ना आईडी दी थी, तो मैंने कहा यार अपने बाकी पैसे ले लो, कहते नहीं भाई आप जो है ना गिफ्ट रख लो, उसके अलावा मुझे नहीं याद कि और बंदे ने गिफ्ट दिया हो। तो बाकी यार गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही काफ़ी है भाई, आप लोग इतने प्यार करते हो, इतने आपने माशाल्लाह जो है ना अभी इतने आपने लोगों ने जो है ना विशेज़ किए हैं, तो मेरा दिल वैसे खुश हो गया कि चीज़ें मैं उस साथ साथ जो है ना वापस भी रख दूँ, मुझे बाद में रखनी तो पड़नी है, मैंने रखनी है और किसने रखनी है। तो ये बात है भाई, भाई आपके पास किस चीज़ की कमी है या भाई? देखो यार अल्लाह ताला जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला बस देने वाले बनाए, ठीक है? तो हम लोग असल में यार इवेंट जो है ना करते ही इसलिए यार जो है ना कि मेंबर्स विन हो, हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं इवेंट। और हम मसला क्या है, इवेंट जो है ना लक की बात है सारी, जिसकी लक अच्छी होती है वो विन होता है। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, लगते भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, रहमतुल्लाह वबरकातुहू, लव यू जान ब्रदर, ग्रेट हो, कोई बात नहीं भाई, यार कोई मसला नहीं। हम तो यार कोशिश यही करते हैं कि मेरी कोशिश बोला क्या होती है, मेरी कोशिश ये होती है कोई जो है ना नाराज़ ना हो बस। जी इंतज़ार भाई, मैं ठीक हूँ, हमारा लक माशाल्लाह। यार असल में कुछ लोग जो है ना दो दो आईडी से भी आते हैं, वो स्टार्ट में कमेंट्स करते हैं, एक से ब्लॉक होते हैं फिर दूसरी से आते हैं, असल में सब लक की बात है भाई, एहसान इलाही है हर जगह आ जाता।
साद भाई वेलकम, मोहिज भाई बिल्कुल, राशिद इम्प्रेस थैंक यू वेरी मच भाई। मैं सोच रहा हूँ आपको गिफ्ट में सॉन्ग अच्छा सी नकवी भाई गुड नाइट नींद आ रही है। ठीक है इमरान भाई आप जाएँ, तो मेरा ख्याल लाइव लंबी हो गई है और मेरा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है। अब मुझे इसको दोबारा गर्म करना पड़ेगा, वैसे ठंडा भी खा सकते हैं, मसला तो कोई नहीं है। मैं नाराज होने हो रहा, बस एक कह दे तो हैप्पी मैं हो जाऊँगा। उमेर भाई भी आ गए हैं, मैं कस्टर्ड भी खा लूँगा, सांस लेंगे ठंडा। अभी गर्म नहीं, इतना ठंडा नहीं वैसे हुआ। चलें ठीक है भाई, बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी विशेज़ भेजी मुझे, ठीक है, और इतनी मुझे जो है ना डीपीज़ आई हैं, इतनी वीडियोस आई हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी है जो है ना मोइस भाई की, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने वहाँ पे मैसेज भी किया कि मुझे जो है ना इनबॉक्स करें, अगर मोइस भाई आप सुन रहे हैं तो मुझे वो कर दें इनबॉक्स, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो। मुस्कान मौजूद शाह टॉर्चर कर रहे हैं भाई, मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है, कोई प्रमोट कर दो, बाद में करते हैं, कस्टर्ड ठंडा ही खाते हैं। अच्छा जी फ्रिज में रख दूँ। आपका बर्थडे था इसलिए मैं जाग रही थी, थैंक यू वेरी मच। गिफ्ट में रिटर्न टिकट चाहिए, ओके जी मिल जाएगा, आप भी सो जाएं, आप काफ़ी टाइम हो गया। इंग्लैंड में भी पाकिस्तानी करेंसी चलती? नहीं भाई, इंग्लैंड में पाउंड चलता है बस, ना डॉलर चलता है ना यूरो चलता है, सिर्फ पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी नहीं यहाँ चलती। हाँ यार एक सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, आपके पास जैज़ कैश कहाँ से आ गया? ठीक है आप दुबई रहते हो तो मेरे प्यारे भाई, मेरे पास जैज़ कैश की एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके दुनिया में कहीं भी खोल सकते हो, ठीक है, उसके लिए सिर्फ चाहिए होता है इंटरनेट। तो अगर आप पाकिस्तान में हो या इंडिया में या अमेरिका कनाडा, एप्लीकेशन खोल सकते हो, जिस तरह फेसबुक है इंस्टॉल करो और खोल लो, इसी तरह जो है ना जैज़ कैश, वो भी मैं सिर्फ अपने फ़ोन में खोल सकता हूँ, लेकिन मैं जाके कैश नहीं ले सकता, क्योंकि जैज़ कैश बेसिकली पाकिस्तान में बेस करता है। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जैज़ कैश से पेमेंट रिसीव करता हूँ और सेंड करता हूँ, लेकिन पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैंने कहा चलो ये भी जवाब दे दूँ। इसी तरह जो इजी पैसा है वो सेम एप्लीकेशन है, पेमेंट आती है, मैं देख लेता हूँ कि मेरा बैलेंस ज़्यादा हो गया है, तो ये चक्कर है मेरे भाई। आज पाउंड तो 211 रुपये जी, पाउंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, 211 ही हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका नहीं सोता और ग्रुप बाकी पाउंड ज़्यादा हो गया, 221 का ही हो गया, सॉरी 211 का था आज, तो अभी कुछ दिन पहले तो बहुत 222 का था, बल्कि कुछ दिन पहले तो मीर भाई क्या हाल है? ओके माजी शाह साहब लव यू टू। चले गाय, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।